जिस प्रकार से आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी दूषित पानी के कारण बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और आज भी मरीज उसमें नए आए हैं, साथ ही पीलिया के मरीज भी बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको हल्के में ना लेकर के इसको बहुत सतर्कता से अपने काम करने की जरूरत है, क्योंकि डायरिया और पीलिया का मुख्य जो जड़ है वो दूषित पानी। और आज नगर निगम की यह स्थिति नहीं है कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा सके। नालियों में जो पाइपलाइन बिछी हुई है और तमाम और जो साफ सफाई होनी चाहिए टंकियों की, जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां की जो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसके कारण लोगों को दूषित पानी पीने को मिला है और ये जो डायरिया का प्रकोप बढ़ा है, अभी कम स्तर पे है, तत्काल उस पर कड़ी कदम उठाए और उस पर रोक लगाने का प्रयास करें कि जिससे जिला को मुक्त किया जा सके, शहर को मुक्त किया जा सके डायरिया पीलिया से। आज रायपुर में जिस प्रकार से पीलिया का जो कहर बरप रहा है और लगभग 1,000-1,500 लोग प्रभाव संक्रमण के शिकार हुए हैं, आज रोके नहीं रुक पा रही है, लगातार नए पेशेंट आ रहे हैं, वो स्थिति बिलासपुर की ना बने। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति करने के बजाय सभी लोग मिल करके इसका नियंत्रण का प्रयास करें और सभी जनप्रतिनिधि मिल करके पार्टी मिलकर नियंत्रण करें तो निश्चित रूप से इसे बचाया जा सकता है और इस प्रकोप से मुक्त जिला को कराया जा सकता है।